हेलो बच्चों, अभी जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आदि शर्मा बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चंस है। चैप्टर्स का नाम है नंबर सिस्टम्स ना सीधा क्वेश्चन, सो दैट 0.23535353 डैश डैश इक्वल टू 0.235 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चंस में दिया, एक डेसिमल्स नंबर दिया है जिसको हमको क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, और पी और क्यू क्या है कि इंटीजर्स है और क्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लेट लेट एक्स इज इक्वल टू 0.235 बार हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, देखिए अब आप देखिए कि डेसिमल्स के बाद कितने नंबर पे कौन सा कितने नंबर पे बार नहीं है, तो मतलब एक नंबर पे, एक डिजिट पे बार नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। दिस इंप्लाई 10x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.353535 होगा डैश डैश, तो कितना हो गया, 10x इज इक्वल टू 2.35 बार लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला चीज है, और इसको हम 10x इज इक्वल टू 2+0.35 बार लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्या ये इक्वेशंस मेरा मान लीजिए 1 हो गया, तो ये 0.35 बार है ना, इसका वैल्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में कितना आएगा उसको पहले हम निकालते हैं। तो हम क्या कहते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 0.35 बार को इसको एक्स मानते हैं, ठीक है, थीके? हम एक्स इज इक्वल टू कितना 0.353535 डैश 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 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन में ये मानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ठीक है, इसको दोनों तरफ से दोनों साइड पे क्या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100x इज इक्वल टू कितना हो गया, 35.353535 डैश डैश लिख सकते हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्ट है, ये इक्वेशन मेरा बी है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए फ्रॉम इसे बी से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अब देखिए 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 35.00 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, 99x इक्वल टू 35 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 35/99 आया। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन मान लीजिए सी है। ठीक है, नाउ इसको मतलब x का वैल्यू कितना माने थे, 0.35 बार का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 35/99 आ गया। कैसे निकालते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये आपको यहाँ पे मैंने देख लिया, तो इसको हम इक्वेशन सी मान लेते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन, इसमें इक्वेशन इसमें पुट करते हैं 1 में, इन इक्वेशन 1, तो कितना हो गया, 10x इज इक्वल टू 2+35/99। ठीक है, तो मतलब क्या, 10x इक्वल टू क्या, x है मेरा 99 आया, तो 2 × 99 + 35, तो कितना, 9 × 18 की राशि, 9 × 18 = 19 + 35/99, दैट इम्प्लाइज 10x इज इक्वल कितना हो गया, 8, 13 हो गया, और 13 के 3 2 × 33/99 हो गया, मतलब देयर फोर एक्स इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 2 × 33/990, तो एक्स का दैट इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू क्या माने थे, 0.235
बार को का वैल्यू कितना आ गया, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में 233/990। सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।